हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर बिग गाइड चैनल। उस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना कोई भी कंप्यूटर अगर शेयर कर दें किसी के साथ में, तो कोई भी फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, और वो फोल्डर किसी को, मतलब जो आपके साथ दूसरा कोई यूज़र है, उसको वो दिखाई नहीं देगा। मतलब वो आप स्क्रीन पर, मैं आपको एक फोल्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ जो आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो यहाँ पर फोल्डर आप कैसे इनविजिबल फोल्डर बना सकते हैं, तो फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन सिंपल प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर का नाम आ गया, लेकिन यहाँ पे ट्रिक है जो आपको याद रखना है, ऑल्ट के साथ 255 यहाँ पे प्रेस करना है, 255। अब देखिए यहाँ पे बिना नाम का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है विदाउट नेम, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके आ देता हूँ। अब इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और यहाँ से आपको जाना है कस्टमाइज में। ये देखिए कस्टमाइज़ में जाने के बाद चेंज आइकन पर जाएंगे, और यहाँ पर जो आपके बहुत सारे आइकन्स हैं इनमें से आप कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं, स्पेशली आइकन जो इस तरीके से रहेगा, या तो या फिर ये ब्लैंक रहेगा, आप ये चूज़ कर लीजिए एग्जांपल, और ओके कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आइकन तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे फोल्डर नहीं दिख रहा है आपको। इसको आप कहीं पे भी हाइड कर सकते हैं, ये फोल्डर को किसी अपने दूसरे फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं, तो इस लाइक दूसरे आदमी को पता नहीं चलेगा, तो आपको दूसरा कोई भी यूज़र है वो आप ये हाइड करके रख सकते हैं। और ऑफकोर्स आप इसको चाहिए तो एक्सेस दें या ना दें, या फिर रिमूव एक्सेस भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं एक तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।